निमीबिया से भारत लाए गए 8 चीते इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन इस बीच तब विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब कूनो नेशनल पार्क में चीतों के शिकार के लिए हिरणों के खेप भेजे जाने की खबर सामने आई और इसके विरोध में भाजपा के एक नेता ही उतर आए। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क पिछले एक हफ्ते से देश की तमाम मीडियों की सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि देश में लगभग 75 साल बाद निमीबिया से लाए गए चीते यहीं छोड़े गए हैं, जिसके बाद अब यह खबर आ रही है कि उन चीतों के शिकार के लिए हिरणों की खेप कूनो नेशनल पार्क भेजी जा रही है और इसी को लेकर तगड़ा विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने इसे बिश्नोई समाज की भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेता कुलदीप बिश्नोई ने इस मामले की जांच करते हुए सोमवार को ट्वीट किया कि चीतों के भोजन के लिए हिरण व चीतल के भेजने की सूचनाएं सामने आ रही हैं, जो अति निंदनीय है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान में विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे हिरणों की प्रजाति और बिश्नोई समाज की भावनाओं को देखते हुए इस मामले की जाँच करवाई जाए और अगर ऐसा है तो तुरंत इस पर रोक लगाई जाए। चीतों के शिकार के लिए हिरणों और चीतलों को भेजे जाने का विरोध अब राजस्थान में तेज होता जा रहा है। भाजपा नेता के साथ साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसका कड़ा विरोध जताया है। आपको बता दें कि बिश्नोई समाज की काले हिरण में धार्मिक आस्था है। राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बिश्नोई समाज के कई संगठनों ने चीतों के बाड़े में हिरणों को भेजे जाने का विरोध किया है। राजनीतिक दलों ने भी अब इसे अपना मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर को निमीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। अफ्रीका से भूखे पेट आए चीतों की भूख मिटाने के लिए रायगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ वन अभ्यारण्य से 181 चीतल भेजे जाने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीते धीरे धीरे खुद को नए माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर करोड़ों रुपए खर्च कर अफ्रीकी चीतों को भारत लाए जाने और भारतीय मूल के वन्य जीवों चीतलों आदि को चीतों के आगे भोजन के रूप में परोसे जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। माकपा ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में माकपा ने इसके विरोध में मंगलवार को अनेक स्थानों पर प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।